नमस्कार, आज मैं बात करूंगी वेनमस एंड नॉन वेनमस यानी जहरीले और जो जहरीले नहीं हैं सांपों के बारे में, जो कि रेनी सीजन में दिख जाते हैं क्योंकि इनके बिलों में पानी भर जाता है और वो ह्यूमन हैबिटेशन यानी घरों में घुसने की कोशिश करते हैं। ये कॉमन स्नेक है। सो सबसे पहला जो स्नेक जिसके बारे में बात करेंगे, चेकर्ड नील बैक स्नेक। ये नॉन वेनमस स्नेक है। इसके पैटर्न्स आप देख सकते हैं, बहुत कॉमन स्नेक है, इसीलिए इसको मेटिंग सीजन में भी काफ़ी देखे जा सकते हैं। ये जहरीला नहीं है। दूसरा स्नेक है रैट स्नेक। रैट स्नेक बहुत लंबे सांप होते हैं, इनको कोबरा समझ के लोग मार देते हैं और दिखने में थोड़ा डेंजरस होते हैं क्योंकि काफ़ी लंबे होते हैं और फुर्तीले होते हैं। रैट स्नेक नॉन वेनमस स्नेक है और ये फार्मर्स का फ्रेंड है क्योंकि रैट्स को खाते हैं। नंबर तीसरा नंबर कोबरा। कोबरा जो सबको पता है ये जहरीला सांप है, ये आइकनिक स्नेक है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है। जब ये हुड उठाता है तो ये पता चल जाता है ये कोबरा है, कभी हैंडल ना करें इन्हें। इसके बाद आता है सबसे वर्ल्ड का फास्टेस्ट अटैकिंग स्नेक, 100 स्केल वाइपर छोटा स्नेक होता है, बहुत बहुत जहरीला होता है। इसकी बहुत हिसिंग की आवाज़ आती है और बहुत फास्ट अटैक करता है। सो कोई भी सांप देखे प्लीज़ हैंडल ना करे, चाहे वो वेनमस हो या नॉन वेनमस। रसल वाइपर, सबसे ज़्यादा डेथ इसी सांप से होती है इंडिया में। ये पत्तों में और छुप जाते हैं। इसकी रिंग्स होती है, आप देख सकते हैं इसका पैटर्न और कलर थोड़ा फ़र्क हो सकता है, लेकिन रिंग्स के पैटर्न आप देख सकते हैं। ये थोड़ा मोटा स्नेक होता है, काफ़ी मोटा और छोटा स्नेक होता है। सो इसके बाद आता है कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट काला धारियों वाला स्नेक है। इसके फेस पे मार्क नहीं होता लेकिन ये धारियाँ, ये इंडिया का सबसे जहरीला सांप है। इसके काटने से ना दर्द होता है ना मार्क होता है और इसको साइलेंट किलर बोला जाता है। और इसके बाद आता है बफ नील बैक। ये नॉन वेनमस स्नेक है, साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। सो इसको भी आप देखिए, इसके पैटर्न बिल्कुल अलग है, ये जहरीला नहीं है। सो इसके बाद का जो सांप है वो है वुल्फ स्नेक, वेरी कॉमन स्नेक। इसको भी लोग मार देते हैं क्योंकि ये बहुत मोटा सांप लंबा होता है, ये जहरीला नहीं है। इसके भी पैटर्न आप देख सकते हैं, कॉमन वुल्फ स्नेक। कोई भी स्नेक हो, जहरीला या ना जहरीला, आप प्लीज़ इन्हें हैंडल ना करें। फॉरेस्ट डिवीज़न को आप बुलाएं या एक्सपर्ट को बुलाएं, वो ही हैंडल करेंगे और वही बताएंगे कि वेनमस है नॉन वेनमस, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस ही राइट एडवाइस है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सांपों को मारें नहीं, उन्हें उल्टा रेस्क्यू करवाएं एक्सपर्ट टीम से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बुला के। If you like this video, please like, share, subscribe and keep watching. Tell me all. Thank you.